चलता फिरता एक क्लब लेके जा रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा उसको रूम में 10 एम्पलीफायर लगा रखते हैं, 10 एम्पलीफायर हमारे डिवाइड हो गए 10 जी बिल्कुल, अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग चैनल्स में लगे हुए। बीटा 3 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सार्जन ने लगा रखे थे, वही है अपने पास, पूरी सीरीज वही है, सिंगल स्पीकर वाली अपनी बेस हो जाती है। अगर हम इनका साइज पूछ लें, क्योंकि देखिए स्पीकर का साइज काफी ज्यादा मैटर कर जाता है बेस को लेकर के, क्या साइज पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपना मिक्सर रखा हुआ है। एक चीज बोलना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आपको बताया भाई JBL RCF का जो है पूरा अपना सेटअप लगा हुआ है, किसी भी कंपनी द्वारा, किसी भी जो हम बता रहे हैं पाइनर हो गया किसी के द्वारा भी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हम डिटेल के लिए बना रहे हैं, जो हमारे BPL साउंड सिद्धार्थ ने लगा रखा है सर्द नाम है, ठीक है सिद्धार्थ भैया जी बात है, ठीक है। ये था अपना भैया देखो सेटअप जो लगा हुआ है अभी, बेस से लेके टॉप तक लाइनर ये सब लगे हुए हैं। अब हम लोग जो है सिद्धार्थ भैया ऊपर चढ़ेंगे, अपने सेट्स दिखाएंगे, देन अपने मिक्सर्स दिखाएंगे, और हमारे वैभव भैया जो इस पर ऑपरेटिंग करने वाले हैं उनको भी दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा सिद्धार्थ भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या इस तरीके का सेटअप आपने पहली बार लगाया है, इस ट्रक पे पहली बार लगाया है, या पहले भी लगा चुके हो पर्टिकल में लगी हुई, ठीक है। अंदर अपनी वही 8 बजे जैसे कि बताया JBL की, देन टॉप अगर हम लोग बात कर ले तो कौन सी कंपनी की हो जाती है? टॉप पूछना चाहूँगा, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपने जो है बेस लगाई हुई है, आपने लाइनर्स लगे हुए हैं, टॉप आपने सब चीज़ बता दिया, मगर अगर हम लोग कंपनी की बात करें कौन सी कंपनी का अपना सेटअप हो जाता है? सेटअप आप ये समझ लीजिए राहुल भाई, ये जो है 12 बेस आपको 18-20 के समथिंग को टक्कर देंगी पूरी। अच्छा हाँ टेस्टिंग। तो यहाँ पे सिद्धार्थ भैया मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अपनी बेस लगी हुई है कितनी बेस लगी हुई है इस सेटअप में, क्योंकि काफ़ी छोटा सा सेटअप लग रहा है, क्या लग रहा है सोच के, मतलब कुछ लग रहा है नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ इस तरीके का सेटअप। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डीजे तो वैभव भैया मिक्सर्स वगैरह कंसोल वगैरह सब आपका पाइनर्स वगैरह सब ला चुके हैं। हाँ मैं ये सब चले। सो फाइनली गाइस फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे, गाइस चैनल में राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं राहुल चरण डीजे व्लॉग्स। तो गाइस हमारे पीछे यहाँ पे खड़ा हुआ है सेटअप, आप लोग देख सकते हैं, एक बार सेटअप दिखाइए भैया, यहाँ पे हमारे पीछे सेटअप खड़ा हुआ है, जैसे कि हमने भाई लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आपको बताएंगे सेटअप में क्या क्या लगा हुआ है लाइट्स प्लस साउंड को लेकर के। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है हमारे ओनर सिद्धार्थ भैया। भैया नमस्कार सिद्धार्थ भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, और बताइए क्या चल रहा है भैया? बस कार्य तुम्हारे आंखों के सामने है बस। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छा एक नया सा एक्सपीरियंस होने वाला है इस बार सरदना में, मैं देख पा रहा हूँ जैसा हमें पुणे महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है ना, कुछ कुछ आपने सेटअप भी है उसी तरीके का लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारी लैंग्वेज में जो है थोड़ा सा डीजे ऑन व्हील भी कह देता है, मगर ये जो ट्रक है ना डीजे ऑन व्हील वाला नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा ट्रक रहता है, ये काफ़ी बड़ा ट्रक है, ये 40 फुट है, ये 40 फुट ट्रक है, लंबाई में इसकी 40 फुट ही है, और मैं देख पा रहा हूँ आपने जो है ऑलमोस्ट आई थिंक 25 to 30 feet ग्रैब करा हुआ है ट्रक, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक बार सभी भाई लोगों से एक बार हम लोग मिल लेते हैं, सभी भाई लोग कैसे हैं? ये भैया भैया ऑपरेटर। तो ये हमारे साथ वैभव भैया जो कि ऑपरेट करने वाले हैं हमारा डीजे ऑन व्हील। तो वैभव भैया कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए भैया। आप बताइए इस तरीके का सेटअप भैया पहले करा है ऑपरेट या फर्स्ट टाइम करने वाले? फर्स्ट टाइम ऑपरेट करने वाले, क्या लग रहा है सोच के, मतलब कुछ लग रहा है नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ इस तरीके का सेटअप। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डीजे ऑन व्हील तो प्ले करा है, डीजे ऑन व्हील तो इससे काफी छोटा रहता है, बहुत छोटा होता है जी, ऑलमोस्ट हाफ ही रहता है इसका, बहुत बड़ा सेटअप है ये वाला जी, इसका एक्सपीरियंस अलग ही होगा। बिल्कुल प्ले करेंगे तो बिल्कुल, तो डीजे ऑन व्हील और प्रोफेशनल वर्क का ज्यादा मेरे को नॉलेज है जी, ठीक है, इसका एक्सपीरियंस होगा वो देखा जाएगा कैसे का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैभव भैया मिक्सर्स वगैरह कंसोल वगैरह हाँ, सब आपका पाइनर्स वगैरह सब ला चुके हैं? हाँ मैं ये सब। चले वैभव भैया भैया थोड़ा सा ऊपर मिलेंगे, अभी जो हम थोड़ा सा अपने सिद्धार्थ भैया से बात करते हैं, थोड़ा साउंड के बारे में डिटेल लेते हैं, देन आपसे ऊपर मिलते हैं ऑपरेटिंग के टाइम, ठीक है। ठीक है धन्यवाद वैभव भैया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे भैया लोग यहाँ पे मौजूद, सिद्धार्थ भैया थोड़ा बता दीजिए हमारे भैया लोग, गौरव भैया कैसे? टीम वर्क में बहुत बहुत सपोर्ट है। मनीष भैया कैसे हैं? बढ़िया है। ये भैया हैं जी, भैया कैसे हैं? कैसे हैं भैया आप लोग? भैया कैसे हैं? क्या नाम है भैया लोगों के? मनीष नाम है भैया, क्या नाम है? अनिकेत नाम है। ये हम आई थिंक हमारे भैया लोग जिन्होंने बुक करा हुआ है या साथ में ही आपके? टीम है। चलिए अभी थोड़ा देर हम लोग सेटअप के पास चलते हैं, सेटअप दिखाते चलते हैं क्या क्या लगा हुआ, थोड़ा सेटअप के बारे में बताइएगा। ऑलमोस्ट हमने जो बता ही दिया है पिछली वीडियो में, ठीक है, कैसे किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं सेटअप को, मगर सिद्धार्थ भैया हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेस से। तो यहाँ पे सिद्धार्थ भैया मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अपनी बेस लगी हुई है कितनी बेस लगी हुई है इस सेटअप में, क्योंकि काफ़ी छोटा सा सेटअप लग रहा है, कितनी बेस है राहुल भाई? इसमें 12 तो बेस लग रही है, 12 बेस लगी हुई है, और इसमें 8 लाइनर लग रहे हैं, 8 लाइनर लग रहे हैं, 8 टॉप लग रहे हैं, 8 टॉप लग रही है, बस छोटा सेटअप, बड़ा ट्रक छोटा सेटअप। आप ये समझ लीजिए राहुल भाई, ये जो है 12 बेस आपको 18-20 के समथिंग को टक्कर देंगी पूरी। अच्छा हाँ टेस्टिंग लग चुकी है? टेस्टिंग हो चुकी है, कोई बात नहीं, हम दोबारा एक बार टेस्टिंग दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल भाई, अभी दिखाते हैं आपको। बिल्कुल
सिद्धार्थ जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपने जो है बेस लगाई हुई है, आपने लाइनर्स लगे हुए हैं, टॉप आपने सब चीज़ बता दिया, मगर अगर हम लोग कंपनी की बात करें, कौन सी कंपनी का अपना सेटअप हो जाता है? राहुल भाई, ये सब JBL लग रहा है, टोटल सब JBL लगा हुआ है, बेस से लेकर टॉप, चार बेस जो है RCF है, बस चार बेस अपनी RCF की है, बाकी सब JBL, बाकी सब JBL है। तो सब ओरिजिनल है या फिर ओरिजिनल? सब ओरिजिनल लगा हुआ है। लाइनर देख सकते हो आप, लाइनर देख सकते हैं भाई, यहाँ पे JBL की हमें सीरीज देखने को मिल जाती है, और हम भैया ने ऐसे बताया चार RCF लगी हुई है। तो अगर बेस की हम लोग बात कर ले भैया, जैसे बेस में देखिए काफी सारे मॉडल्स आते हैं, सिंगल स्पीकर आते हैं, डुअल स्पीकर, टोटल आठ इसमें सिंगल की हैं, बाकी सब डबल की हैं। यानी कि अगर आठ सिंगल की है, चार बैठे, चार डबल की हैं, ऐसे 12 सेटअप हो रहा है, वरना अगर चार आठ तो आप कंपैरिजन चार में कर सकते हैं, आठ को हम चार में, वही अगर डबल स्पीकर के हिसाब लगाया जाए ना, तो इसमें टोटल आठ बेस मानी जा सकती है। ठीक है, अभी हम लोग वही बात कर रहे थे अपने बेस के बारे में, थोड़ा सा हम क्लोजअप आ जाते हैं, अगर बेस को हम लोग दिखाए थोड़ा क्लोजअप, यहाँ पे नीचे हमने देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपनी RCF लगी हुई है, और यहाँ पे भी अपनी RCF लगी हुई है, तो दोनों अलग अलग एंगल से लगी हुई है, पोर्ट्रेट में लगी हुई है और वर्टिकल में लगी हुई है। ठीक है, अंदर अपनी वही आठ बेस जैसे कि बताया JBL की, देन टॉप अगर हम लोग बात कर ले तो कौन सी कंपनी की हो जाती है? टॉप फ्रंट पे तो है नहीं राहुल भाई, साइड में है, पर चार चार बेट है, टॉप रखी है, अच्छा टॉप जो है चार चार लगी हुई है, फ्रंट में सिर्फ बेस और लाइनर लगे हुए बस। और अगर टॉप की हम लोग बात कर ले, टॉप अपनी ओरिजिनल RCF हो जाती है जी, और अपने लाइनर्स की बात करें तो अपने ओरिजिनल JBL हो जाते हैं। ठीक है, ये था अपना भैया देखो सेटअप जो लगा हुआ है अभी, बेस से लेके टॉप तक लाइनर ये सब लगे हुए हैं। अब हम लोग जो है सिद्धार्थ भैया ऊपर चढ़ेंगे, अपने सेट्स दिखाएंगे, देन अपने मिक्सर्स दिखाएंगे, और हमारे वैभव भैया जो इस पर ऑपरेटिंग करने वाले हैं उनको भी दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा सिद्धार्थ भाई, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या इस तरीके का सेटअप आपने पहली बार लगाया है, इस ट्रक पे पहली बार लगाया है या पहले भी लगा चुके हो? राहुल भाई, इस ट्रक पे तो पहली बार लगा है, 40 फुट है क्योंकि सबसे लंबा यही होता है ट्रक में, बिल्कुल। ठीक है, इससे कम ही आते हैं बाकी सब जो भी आते हैं जी, इससे छोटे पे तो काफ़ी बार लगाया है, मगर ये पहली बार है, ये पहली बार है। देखिए, हम खुद पहली बार तो देख रहे हैं इस तरह का सेटअप, और काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बोला भाई वीडियो में शुरू में, एक नया एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा है, वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। अभी थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, सेट हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं, सेट दिख पा रहे हैं, यहाँ पे मिक्सर रखे हुए हैं, सब कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं, जैसे कि हमारे सिद्धार्थ भाई ने बताई दिया है कि टेस्टिंग जो है ऑलरेडी हो चुकी है, बट एक बार जो हम जरूर टेस्टिंग अभी सुनाते राहुल भाई, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं लाइट्स वगैरह सब काफ़ी अच्छे इन्होंने सेट करा हुआ है, मगर लाइट बाद में दिखाएंगे, उससे पहले हम लोग दिखाएंगे आपको सेट्स। फाइनली गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे ट्रोले के ऊपर, ट्रोला तो नहीं कहूँगा मैं इसे, सिद्धार्थ भैया क्या बोलते हैं इस ट्रक को, थोड़ा सा बताइए ज़रा। इसे घोड़ा बोलते हैं, 18 बोलते हैं, इसके 40 फुट है ये, 40 फुट है ये। देखिए, इसे घोड़ा बोलते हैं, क्या बेसिकली जो है प्रोफेशनल लाइन में भी इसे घोड़ा ही बोलते हैं या कुछ और? शायद राहुल भाई बोलते तो ऐसे ही हैं, कंफर्म नहीं है, मतलब लोगो जो है ना इसमें घोड़े का बन रहा है, अच्छा घोड़े का नाम ही है, उससे जाना जाता है पूरा। अच्छा अच्छा, देखिए 40 फुट ट्रक हो जाता है, काफ़ी बड़ा ट्रक हो जाता है, और 18 टायर ट्रक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपना मिक्सर रखा हुआ है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आपको बताया भाई JBL RCF का जो है पूरा अपना सेटअप लगा हुआ है, किसी भी कंपनी द्वारा, किसी भी जो हम बता रहे हैं पाइनर हो गया किसी के द्वारा भी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हम डिटेल के लिए बना रहे हैं, जो हमारे BPL साउंड सिद्धार्थ भैया ने लगा रखा है सरदना में। ठीक है सिद्धार्थ भैया जी, सिद्धार्थ भैया हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है सिंगल स्पीकर वाली अपनी बेस हो जाती है, अगर हम इनका साइज़ पूछ लें, क्योंकि देखिए स्पीकर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है बेस को लेकर के, क्या साइज़ रहता है भैया अपना बेस का? ये 18 इंची में है सर, 18 इंची में टोटल, चाहे RCF लगा हुआ हो और चाहे अपना JBL लगा, सब 18 इंची, सब 18 इंची का लगा हुआ है स्पीकर। ठीक है, और अगर कोई चाहता हो भाई एक फिक्स डिटेल कि भाई 18 इंची का कौन सा लगा हुआ है, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आप इन फ्यूचर हमें कमेंट करते हैं तब। देन यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अपने लाइनर्स में, तो लाइनर्स अपने डबल स्पीकर वाले होंगे 10 इंची, डबल स्पीकर में 10 इंची वाले लाइनर हो जाते हैं अपने JBL के, और टॉप की अगर हम लोग बात कर लें तो टॉप अपनी हो जाती है 15 इंची आई थिंक, डबल स्पीकर, 15 इंची में डबल में है। ठीक है, ये 1200 वाट है। ठीक है, वाट एक काफ़ी मतलब डीप हो जाएगी, अब इनकी इंपीडेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाएगी, हम ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सेट लगे हुए BT3 के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगा रखे थे, सार्जन पूरी सीरीज वही है अपने पास, अच्छा पूरी सीरीज वही है। ठीक है, यहाँ पे BT3 लगी हुई है, और यहाँ पे प्रोटोन है, ठीक है, और BT3 बीटा मार्क भी लगा हुआ है, BM लगा हुआ है, स्टूडियो NX, ठीक है, बाकी सब यही। टोटल कितने सेट लग रहा है, क्या लगा हुआ है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सेट। अच्छा, जो अपनी RCF बेस होती है उनमें तो आई थिंक जो है अपना एम्पलीफायर वो इनबिल्ट ही होता है जी, तो उसके बाद ही इसमें सेट की जरूरत पड़ती है या वो सीधा नहीं, दो जो हमारी दो बेस है उसमें इनबिल्ट है, दो बेस में इनबिल्ट, JBL दो, अच्छा JBL में, और RCF में नहीं है, RCF नहीं है, क्योंकि मैंने देखा RCF में जो है आई थिंक इनबिल्ट ही कंपनी में तो इनबिल्ट आता है जो बात है। हाँ हाँ, सो फाइनल गाइस हमारे साथ यहाँ पे भैया आ चुके हैं, भैया जय श्री राम, कैसे हैं? क्या नाम है भैया? अभिषेक नाम है। मेरे के सिद्धार्थ भैया थोड़ा बिजी हो चुके हैं, तो हमारे साथ अब अभिषेक भैया आ चुके हैं, कोई बात नहीं, अभिषेक भैया में थोड़ा बताएंगे यहाँ पे, अभिषेक भैया
हमारे भैया बता गया देखिए बीटा 3 लगा हुआ है अपना, ठीक है, बीएम लगा हुआ है, एनएक्स लगा हुआ है, C18 लगा हुआ है, C18। देखिए किसी भी कंपनी द्वारा बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, एक डिटेल के लिए बताया जा रहा है आपको इतने बड़े सेटअप पे क्या क्या लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं भैया, यहाँ पे भी आपने लगाए हैं डिजिटल, लगाए हैं क्रॉसओवर वगैरह सब लगा हुआ है। अच्छा, एक स्प्लिटर भी आता है जो कि एक आवाज़ को जो है मैं देख सकता हूँ किधर लगा हुआ है स्प्लिटर वगैरह। स्प्लिटर 31 में ही होता है सर। अच्छा, ये एक्चुअली इसका काम क्या होता है, जो हमारे जितने मोस्टफेड होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन करता है। डिस्ट्रीब्यूशन करता है जितने एम्पलीफायर है, सपोज करो हमने 10 एम्पलीफायर लगा रखे हैं, 10 एम्पलीफायर हमारे डिवाइड हो गए 10। जी बिल्कुल, अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग चैनल्स में हो गए और इसकी लिमिट एक बन गई है, उससे ऊपर ये नहीं जाएंगे। उसके अलावा भी हम आपको एक चीज दिखाएंगे जो एक चीज नहीं है। अच्छा, नहीं, इसके अलावा भी हमने बेस पे स्प्लिटर लगा रखा है। थोड़ा एक बार आगे दिखाइएगा, बेस पे स्प्लिटर लगा हुआ है। जी 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 जी, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ नया जब देखने को मिलता है ना तो एक अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो अपनी पब्लिक को चाहते हैं भाई कुछ नए से नया डिटेल मिले, और यहाँ आके भाई देखने को मिल रहा है काफी अच्छा। थोड़ा दिखाइए किधर अभी स्वेटर, थोड़ा सा एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे DSP भैया ने कहीं रख दिया आई थिंक। देखिए उसका भी भैया थोड़ा सा काम बताइए क्या रहता है काम। देखिए बेस को जो होता है प्रॉपर, ये काम होता है कि जैसे कभी कभी बेस में हमारे हमिंग आ जाती है जी, या एक्चुअल में मोस्फेट ज़्यादा करंट दे देते हैं जी, तो स्पीकर के जलने का फूकने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें हमारे मोस्फेट को भी नुकसान रहता है, हमारी बेस को भी नुकसान रहता है। बिल्कुल, तो वो कुछ हद तक, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक वो स्पीकर हमारे ये बचा ये सकते हैं। नहीं, ये तो एक्चुअल BM का माइक है। अच्छा, BM के माइक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं माइक भी अपने बीटा मार्क के हो जाते हैं सब कुछ, मतलब टोटली जो है यहाँ पे कंपनी का यूज़ करा गया है। यहाँ पर कॉर्डलेस माइक हो जाते हैं अपने, और अगर हम लोग माइक की बात कर लें तो BPL साउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ब्रांडिंग है। थोड़ा भैया BPL साउंड के बारे में बताइए, ये अपने किस चीज में डील करते हैं? ये सर, ये हमारे दादी जी का नाम है, बिंदु प्रकाश लाइट। अच्छा, बिंदु प्रकाश लाइट, लाइट का भी काम करते हैं और साउंड का भी करते हैं। साउंड का भी करते हैं, हाँ, हमारे दोनों काम है, लाइटिंग और साउंड। 40 साल पुरानी हमारी, 40 साल पुरानी, नाइस, बहुत अच्छा लगा। 40 साल हमें काम करते हो, बिल्कुल, साउंड का भी लाइट का भी, ठीक है। ये अपना कॉर्डलेस माइक हो जाता है जी जी जी, BM का ही। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिक्सर में जो है ऑलमोस्ट सारी सेटिंग हो चुकी है। यामा का मिक्सर है सर, यामा का मिक्सर यूज करा हुआ है। प्रोटोन की भी MT है सर, प्रोटोन की भी है। 6050 है सर, 6050 NX18 Beta 3 प्रोटोन, ऑलमोस्ट सारी चीज हमें देखने के लिए मिल जाएगी जो यहाँ पर रन कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। देखिए जो चीज जिस पे बेस्ट रहे हमें वही यूज करना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट भैया मैं मानता हूँ सारी सेटिंग हो चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऑपरेटर साहब भी आ चुके हैं, तो वैभव भैया थोड़ा सा हमें ऑपरेटिंग दिखाइएगा। यहाँ पे अपना पाइंदे वगैरह सब सेट हो चुका है क्या? वैभव भैया अपनी सेटिंग वगैरह ऑलरेडी सारी हो चुकी है, धन्यवाद भैया बहुत बहुत आपका, ठीक है। सेटिंग बिल्कुल हो चुकी है, हो चुकी है कंप्लीट सेटअप अपना इंस्टॉल, मतलब जो भी करना था आपने कर लिया है, देख पा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नोब्स जो है डायरेक्शन में मूव हुई हुई है, कुछ अपनी जगह पे ही है, तो इसको मतलब कैसे सेट करा जाता है थोड़ा सा बताएंगे वैभव भैया इसको। थोड़ा सा एक बार इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। इसको गाने की तरह ही सेट किया जाता है, जैसे जी यहाँ पे बताइएगा किस तरीके से गाने की वजह से सेट किया जाता है, बस जैसे मतलब प्ले होता है ये, बाकी जो है तब सेट किया जाता है। ऑलमोस्ट जो है मेन काम जो रहता है अपना ये वाले मिक्सर का, ये वाला मिक्सर का रहता है, ये जो होता है आपका एक्स्ट्रा आपके हाथ के लिए होता है। हाँ जी, चलिए भैया और कुछ बताना चाहेंगे भैया कुछ नया? देखिए जैसे हमें स्प्लिटर के बारे में पता चला, आप भी कुछ नया बता सकते हैं अगर आपके पास डिटेल नहीं है अभी, तो बाकी यही है मेरे पास तो। अच्छा, और बाकी कुछ नया तो है, ठीक है। ये जो होता है अपना भैया कंसोल, ये पाइनर है, ये पाइनर है। देखिए यहाँ पे ब्रांडिंग हुई हुई है। अगेन मैं फिर एक बात बोलूँगा, किसी भी कंपनी द्वारा कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सब आपको जो एक डिटेल मिले भाई, बेस्ट से बेस्ट रिव्यू मिले, इसलिए बताया जा रहा है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा लाइट्स को लेकर के। वैभव भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया अपना, और एक बार फटाफट से ऑपरेटिंग सुनाइएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जी। सिद्धार्थ भैया हमने पहले ही काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया आपका, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नहीं नहीं भैया, ठीक है। थोड़ा सा देखिए जितना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना, जितना पब्लिक को हम खुल के दिखाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा, और उतना ही एक जिज्ञासा जागती है कि नेक्स्ट टाइम अपने पास भी सेटअप लगे, ठीक है। अगर कोई इस तरीके का सेटअप चाहता हो या किसी भी तरीके का सेटअप चाहता हो तो वह जरूर से कॉन्टैक्ट कर सकता है हमारे सिद्धार्थ भैया से। नंबर हम डिस्प्ले में डाल देंगे, ठीक है। किसी भी तरीके का सेटअप के लिए, इवेंट्स हो गया और एनी फंक्शन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सरदना मेरठ BPL साउंड होता है अपना सिद्धार्थ भैया का। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सिद्धार्थ भैया बात करेंगे, अपनी लाइट्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो लाइट कौन सी कंपनी की हो जाती है अपनी, और लाइट्स का मतलब क्या रोल रहने वाला है, कितनी लाइट लगा रखी है आपने, थोड़ा फ्रंट पे भी चल के दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप पहले यहीं से बताइए कितनी लगी हुई है अपनी LED और शार्प में देख पा रहा हूँ, प्लस स्मोक मशीन भी आपने लगाई हुई है, और यहाँ पे आप लोग पायलट लगा हुआ है जो कि अपनी लाइट्स को कंट्रोल करेंगे यहीं से ही, सही कह रहा हूँ सिद्धार्थ भैया? मिनीपल आगे लगा हुआ है, ये पायलट लगा हुआ है, ये बैक के लिए। अच्छा, ये बैक की लाइट्स के लिए हो जाता है, यहाँ पे गोल वाली ट्रस भी लगाई हुई है, तो मतलब पूरा चलता फिरता एक क्लब लेके जा रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा सा बताइए भैया लाइट कितनी लगी हुई है अपने टोटल सेटअप पे? टोटल राहुल भाई इसमें जो शार्प लगी हुई है फ्रंट पे लगी हुई है 16
फ्रंट पे 16 शार्प है, ठीक है, चार लग रही है पीछे, चार लग रही है पीछे, छह लग रही है पीछे, छह पीछे लग रही है, टोटल 22 शार्प मैं देख पा रहा हूं वो लग रही है, ठीक है। एलईडी की बात कर लें भैया, एलईडी कितने लगे राहुल भाई? 22 इंच की एलईडी है इसमें, टोटल एलईडी आती है आपकी 18-20 एलईडी, बस 18-20 एलईडी है। देन उसके बाद आगे फ्रंट पे और भी कुछ लगा हुआ है, चलते हैं थोड़ा आगे वो भी दिखा लेते हैं एक बार। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं भाई अपने सेटअप के आगे, और जैसे कि हमारे सिद्धार्थ भैया ने बताया था कि 16 शार्प की अपनी फ्रंट में लगी हुई है, मैं देख पा रहा हूं यहां पे 4 आई ब्लेंडर्स लगे हुए हैं, 4 4 आई ब्लेंडर्स हो जाते हैं, 3 अपने एलईडी के पैनल है, 2 यहां पे स्मोक मशीन लगी हुई है, 3 मशीन लगी हुई है स्मोक नीचे बीच में रखी, अच्छा हाँ यहाँ पे भी एक छोटी स्मोक मशीन लगी हुई है, ठीक है। और अगर ऊपर की बात कर लें तो अपनी टोटल आई थिंक 6 एम आई बार्स हो जाती हैं, और 4 अपने रेट्रोफेंस और 2 अपने एलईडी पैनल सिंगल सिंगल लगे हुए हैं, प्लस वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ क्या बोलते हैं उनको स्टोव लगे हुए हैं अपने, 4 स्टोव लगे हुए हैं, तो कम्प्लीट सेटअप हो जाता है अपना लाइट का भी। तो यही देखिए सेटअप, अब जो इसकी एक छोटी सी झलक दिखाएंगे हम लोग, नाइट की भी और डे की भी टेस्टिंग भी दिखाएंगे, और साथ में भाई नाइट का भी लाइट का पूरा शो दिखाने वाले हैं आपको। तो धन्यवाद सिद्धार्थ भैया, बहुत ज्यादा समय लिया। नहीं नहीं ठीक है, ऐसी बात कर रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहेंगे, मगर कुछ नहीं, अपनी पब्लिक को दिखाना यार हमें बिल्कुल डिटेल्स के साथ। राहुल भाई हमने भी पहली बार करा है जी, तो आपका दिखाना तो बनता ही था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया भैया सेटअप में, आपके बिना अधूरा था ये समझ लो बस। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भैया, बहुत मजा आया। तो दोस्तों ये थी भाई अपने सेटअप की डिटेल्स, आप अगर चाहेंगे और कोई सेटल की तो सेटअप की तो उसको भी भाई आपको फुल डिटेल्स मिलेंगी। तो धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और भैया से शेयर करो। सिद्धार्थ भैया कुछ कहना चाहोगे? बस सब्सक्राइब करो भैया का चैनल, ग्रो करो, मंगल मूर्ति। DJ Triple Cool.